नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेके एडुटेक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। जी हां दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक में आएगी विस्फोटक तेजी, वित्त मंत्री ने दिए राहत पैकेज। या दोस्तों, आज है 1 फरवरी और आज के दिन दोस्तों भारत की जो वित्त मंत्री हैं माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने, उन्होंने जो है आज यहाँ पर अपना बजट पेश किया और फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का आज बजट पेश किया गया। और इस बजट की वजह से आज मार्केट में शानदार तेज़ी आप लोगों को देखने को मिली और ये तेज़ी शायद आप लोगों ने पहले कभी किसी बजट पर पेश करते हुए देखा होगा। क्योंकि आमतौर पर जब भी बजट पेश होता है तो उस समय माहौल जो है कुछ डिस्टर्ब होता है और गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन आज ठीक उल्टा हुआ। और आज जिस तरह से शानदार तेज़ी देखने को मिली, इससे जो है पंजाब नेशनल बैंक में आने वाले टाइम में एक बड़ा बम विस्फोट आपको देखने को मिल सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था। यदि आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आप लोगों को रिकमेंडेड करूंगा कि आप लोग मेरे वीडियो वाले बॉक्स में जाकर देख सकते हैं कि मैंने बनाया था कि बजट के बाद पीएनबी में होगा विस्फोटक धमाका, डाटा देखकर चौंक जाएंगे। ये वीडियो मैंने बनाया था दोस्तों, तो यदि आपने इसको नहीं देखा है तो आप जाकर इसको देख लीजिए। मैंने एक दिन पहले ही बता दिया था कि बजट के बाद जो है पंजाब नेशनल बैंक में बड़ा धमाका हो सकता है और आज पंजाब नेशनल बैंक में बड़ा धमाका हुआ भी। तो वित्त मंत्री ने जो आज अपने बजट में पीएसयू बैंकों को लेकर क्या राहत पैकेज दी है दोस्तों, विस्तार से जानेंगे। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर मत जाइए, वीडियो को साइलेंटली जो है प्लीज पूरा देखिए, तभी जाकर आपको सारी चीज़ें बिल्कुल समझ में आएगी। तो भारत की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने, उन्होंने जो है आज अपने बजट में पीएसयू बैंकों को लेकर 20,000 करोड़ का राहत पैकेज, यानी कि 20,000 करोड़ का पैकेज यहां पर पीएसयू बैंकों को दिया है। यानी कि जो पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं, यानी कि जिसे हम पीएसयू बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर के जो बैंक हैं उन बैंकों को 2021-22 के इस बजट में 20,000 करोड़ का यूनियन बजट पेश किया गया है, जो काफ़ी शानदार है। और इसी का कारण है कि आज बैंकिंग सेक्टर में आग लगी हुई है, सारे के सारे शेयर जो है भाग रहे थे। आपने देखा आज की निफ्टी भी 4% से ऊपर था और बैंक निफ्टी तकरीबन 8.5% की ग्रोथ के साथ आज भागता हुआ आपको नजर आया। तो इस स्थिति में पंजाब नेशनल बैंक में हमारे लिए वो कौन सी न्यूज है जो पंजाब नेशनल, इस बजट से हमें पंजाब नेशनल बैंक के लिए वो कौन सी न्यूज चाहिए जो पंजाब नेशनल बैंक के लिए कारगर साबित होगा। तो पहले देखते हैं, देखिए एसबीआई में आज 8% की तेजी देखने को मिली, बैंक ऑफ इंडिया में जो है आज 6.6% की तेजी मिली, बैंक ऑफ बड़ौदा में 5.7% की तेजी, वहीं पे कैनरा बैंक में 5.5% की तेजी, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक में 2.5% की तेजी आपको देखने को मिली। इससे ऊपर की भी तेजी देखने को मिली, हालांकि मैं वीडियो दोस्तों 3 बजे के करीब में शूट कर रहा हूँ। तो इससे हमें फायदा क्या है इस बजट से, जो ये 20,000 करोड़ का जो पैकेज मिलेगा वित्त मंत्री के द्वारा इस बजट में, तो पीएसयू बैंकों को जो है काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो मैं पंजाब नेशनल बैंक की मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पंजाब नेशनल बैंक अभी अपने फेयर वैल्यू पे मिल रहा है और इंडियन गवर्नमेंट का एम्बिशन है कि आत्मनिर्भर भारत में, समझ रहे हैं कि भारत जो है सारी चीज़ें सेल्फ से करना चाहता है। वो जो इंडिया के जो लोकल चीज़ें हैं उन्हीं को वो सुपर स्टार बनाने में लगा हुआ है और यही कारण है कि पहली बार इस बजट में जो है इतनी बड़ी तेज़ी और इतनी बड़ी लिए आपको देखने को मिली है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बैंकों की जो बातचीत हो रही है, उसमें बैंक जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं आरबीआई से कि उनके जो प्रोविजनल फॉर बैड लोन, उनके जो बैड लोन्स हैं और जो उनके एनपीए हैं उनको कम किया जाए। और आरबीआई इसको लेकर जो है इस डिमांड को लेकर जो है अभी कार्य कर रही है। तो जैसे ही बैड लोन और जो प्रोविजनल हैं, जो बैड लोन जो बैंकों के ऊपर बैड लोन पड़े हुए हैं, यदि वो ख़त्म हो जाता है और आरबीआई की तरफ से यदि कोई यहाँ पर राहत मिलता है, तो फिर बड़ा एक तेज़ी का तूफान आपको पंजाब नेशनल बैंक में आता हुआ दिखेगा। इससे पहले भी पिछले साल जो बजट आया था, तो उस बजट में फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कोई भी पैकेज यहाँ पर दिया नहीं गया था, खासकर पीएसयू बैंकों को लेकर। लेकिन आज जो वित्त मंत्री ने जो आज बजट पेश किया है, इसमें जो 20,000 करोड़ का जो पैकेज देने की बात उन्होंने कही है, तो ये जो है पंजाब नेशनल बैंक के लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ साबित होगी। और इसके बाद यहाँ से पंजाब नेशनल बैंक में एक भयंकर तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि इंडियन इतिहास
उठाकर देख लीजिए। आज तक के इंडियन मार्केट हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि बजट के दिन 8.5% की रैली, वो भी बैंकिंग सेक्टर के इंडेक्स में, यानी बैंक जो है आज भागते हुए नज़र आ रहे थे। चाहे हम इंडस इंडिया बैंक की बात करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, ICICI बैंक की बात करें, यानी कि जो प्राइवेट बैंक थे वो तो भाग ही रहे थे, उनके साथ साथ जितने भी गवर्नमेंटेड बैंक हैं, जो स्टेट ऑन बैंक हैं या जो PSU बैंक हैं, सब में जो है एक शानदार तेज़ी आपको देखने को मिली। और आज पंजाब नेशनल बैंक में दोस्तों 7.20% की तेज़ी, तकरीबन 8% की तेज़ी के साथ यहां पर ग्रोथ करता हुआ पंजाब नेशनल बैंक भागता हुआ आपको दिखा। अब हम बात करते हैं चार्ट पैटर्न पर कि चार्ट पैटर्न हमारा क्या है। देखिए चार्ट पैटर्न में W बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, जब भी किसी भी स्टॉक में W बनता है, W का चार्ट पैटर्न बनता है, तो उसमें एक भयंकर तेजी, एक बड़ी रैली की शुरुआत देखने को मिलती है। किसी भी स्टॉक को देख लीजिए, लगातार दो बार जो है ऐसा हो रहा है। एक बार और ऐसा हुआ था कि 50 रुपये के लेवल को टच करते करते पंजाब नेशनल बैंक का शेयर वहाँ से लुढ़क गया। फिर यहाँ पर जो W का जो बीच वाला जो पोर्ट होता है दोस्तों, वहाँ पर कुछ देर तक पंजाब नेशनल बैंक कंसोलिडेट किया, फिर नीचे गया और W का आकार बनाते हुए यहाँ ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यदि आप इसके वॉल्यूम चार्ट को भी देखें तो वॉल्यूम चार्ट भी साफ साफ यही इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का सेलिंग प्रेशर नहीं पड़ रहा है। तो पंजाब नेशनल बैंक में यदि आप लोगों ने पोजीशन पहले से बना कर रखा है तो अच्छी बात है, और यदि आप लोगों ने नया पोजीशन बनाना चाहते हैं और नई एंट्री करना चाहते हैं पंजाब नेशनल बैंक में, तो आपके लिए बढ़िया मौका यही है दोस्तों, क्योंकि जैसे ही W का आकार क्रॉस होगा फिर एक बड़ी रैली आपको देखने को मिली, बड़ी रैली आपको देखने को मिलेगी पंजाब नेशनल बैंक में। बात करें आज के ट्रेडिंग सेशन में, तो आज पंजाब नेशनल बैंक 33.75 रुपये से ओपन हुआ, 36 रुपये जो है आज इसका डे का हाई रहा, और 33.10 रुपये इसका जो लो रहा, और 35.75 रुपये पे आज पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी क्लोजिंग दी। आज के डेट में 16,62,18,930 की क्वांटिटी में पंजाब नेशनल बैंक में शेयर ट्रेड किए गए हैं, जिनमें से 2,61,69,253 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई है। तकरीबन 15.74% की डिलीवरी जो है आज पंजाब नेशनल बैंक में उठती हुई दिख रही है। हालांकि डिलीवरी की मात्रा कम है, लेकिन वॉल्यूम देखें तो पिछले दो हफ्तों के ट्रेडिंग सेशन को आप एनालाइज करें तो जितना पिछले दो हफ्तों में उठाया नहीं गया है, तो पिछले दो हफ्तों में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है पंजाब नेशनल बैंक में आज जो है उठता हुआ दिखा, क्योंकि आज जो है 16 करोड़ से ऊपर है, और इससे पहले 13-13.5 करोड़ के करीब में वॉल्यूम जनरेट होता था। लेकिन ये वॉल्यूम साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि पंजाब नेशनल बैंक में डिमांड बढ़ रही है, और आपको पता होता है कि जब भी किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उस स्टॉक का भाव, उस शेयर का भाव ऑटोमेटिकली जो है ग्रोथ करता है। देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि आपको घबराना नहीं चाहिए। यदि आप रिटेल इन्वेस्टर हैं और आपने अभी स्टार्टिंग में स्टॉक मार्केट ज्वाइन किया है और पैसे कमाने की, करोड़पति बनने की, यहाँ पर खूब सारा पैसा कमाने के लिए आए हैं, तो आपको पैसे लगाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको वेट करना, क्योंकि वेट करना सबके बस की बात नहीं है, इंतज़ार सबको नहीं होता है। जैसे ही स्टॉक में 10-15% की गिरावट आती है, लोग घबरा जाते हैं और वहाँ पर अफरा तफरी मचाने लगते हैं कि क्या करें यार, बेच के निकल जाएं क्या, बेच दें अब तो बढ़ेगा ही नहीं। उनको ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट यहाँ से ख़त्म हो गया है, और इस गुस्से में आकर जो है उल्टा सीधा ट्रेड करते हैं, और कमाने आए थे पैसा, पता चलता है कि यहीं से लूट कर वापस चले जाते हैं। यदि आपके साथ ऐसी कहानी घटी है, ऐसी घटना आपके साथ घटी है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मुझे अपार खुशी होगी, क्योंकि मेरे साथ भी, जब मैं भी स्टार्टिंग में ऐसे ट्रेडिंग करता था तो मेरे साथ भी होता है। जाहिर सी बात है कि लोग गलतियों से ही सीखते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप गलती करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि गलतियों से सीखना, न कि बार बार गलती करें। जब एक ही गलती को आप बार बार करेंगे तो आप स्टॉक मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो मैं बार बार बोलता हूँ, आपको जो है अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, न कि किसी के कहने पर या किसी ब्रोकर एजेंसी के या किसी ब्रोकर के रेटिंग से घबराना चाहिए। कि वो लोग भी क्या करते हैं, वो लोग भी डेटा को देख के अपना एजम्पशन लगाते थे। सारे एनालिटिक इसके पहले क्या बोलते थे, आज यूट्यूब पर जाइए और कल की सारी वीडियो सर्च कीजिए, जितने भी बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं, जितने बड़े बड़े यूट्यूब के ज्ञाता हैं, वो क्या बोले कि स्टॉक मार्केट में आज क्रैश होगा, स्टॉक मार्केट आज गिरेगा। लेकिन हुआ क्या, आज स्टॉक मार्केट ने अपनी चाल चली और सारे लोगों का गूढ़ा गणित फेल कर दिया। यदि आपको विश्वास नहीं है तो प्लीज़ मेरे कहने पर आप एक बार वीडियो, कल की वीडियो देखिए कि जितने बड़े बड़े महारथी लोग हैं वो लोग क्या बोले थे कि मार्केट में आएगी करेक्शन, ये होगा वो होगा, सावधान होने की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ठीक उल्टा हुआ।
और मैंने पहले भी बताया था दोस्तों कि बजट के बाद पंजाब नेशनल बैंक में एक बड़ा धमाका हो सकता है। तो यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जाकर जरूर देखिए। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि हमारा उत्साह बढ़ता रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत